हे एवरीवन, मैं हूँ स्वाति। स्वाति सोनी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिहारी बड़ी। इसे हम लोग कुम्हरौड़ी भी बोलते हैं बिहार में, दरभंगा मधुबनी में इसे कुम्हरौड़ी भी बोला जाता है। और तो चलिए इसको हम फटाफट बनाएंगे। ये हम लोग जो पेठा खाते हैं उसी से ये बड़ी बनती है, और साल भर के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी मन हो इसे आप बनाइए। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, तो चावल के साथ, रोटी के साथ बहुत बच्चे पसंद करते हैं। मेरे घर में तो ये सभी को बहुत ही पसंद है। तो जब भी हम घर जाते हैं तो मम्मी मेरी बना के दे देती है, या नानी बनाई रहती है वो दे देती हैं, हम भी बना लेते हैं। मेरा भी स्वाति सोनी रसोई पे ये बना हुआ रेसिपी है। तो देखिए, इसके लिए हमने आलू बॉईल कर लिया। आप चाहे तो कच्चा आलू भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा मटर डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब टमाटर ले लिए और सारे मसाले ले लिए, और अदरक मिर्च डाल के हम इसे पीस लेंगे। और कढ़ाई में लेंगे तेल, तेल को अच्छा गर्म करेंगे और कढ़ाई में हम फैला देंगे, और इसमें हम बड़ियाँ डाल देंगे। दो आदमी के हिसाब से हमने ये बड़ियाँ 7-8 बड़ियाँ ली हैं, और इसे खूब लाल होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा डालिएगा तो बड़ी में तेल ज़्यादा लगता है फ्राई करने में, और लाल होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डाल देंगे, और इसमें बॉयल आलू को छील के इसे हाथों से तोड़ लेंगे। हाथों से तोड़ने पे जो उसका ग्रेवी बनता है ना, बहुत ही अच्छा ग्रेवी बनता है, तो ठीक बनता है। तो इसमें डाल के इसे भी हम फ्राई कर लेंगे, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। फिर हमें ग्रेवी में डालेंगे, इतना डालेंगे जो आलू में ये पूरे एडजस्ट हो जाए, और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे कलर के लिए। तो बस इसे भी हम लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। ये बिल्कुल देसी है आलू बड़ी की सब्ज़ी, इसमें ना प्याज ना लहसुन कुछ भी चीज़ का यूज़ नहीं हुआ। ये देखिए, ये फ्राई हो चुका है। अब चलिए फटाफट हम इसी कढ़ाई में तेल ले रहे हैं। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच के लगभग हम सरसों तेल डाल देंगे, तेल अच्छा गर्म हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे हींग। हींग थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि बिना प्याज लहसुन का बना रहे हैं तो हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। जीरा डालेंगे, तेज़पत्ता या लाल मिर्च डाल दीजिए, और इसमें पिसा हुआ मसाला डाल दीजिए, और इसे भी खूब अच्छे से चला लीजिए। अब इसमें नमक डाल दीजिए, नमक हमने आलू में भी डाला था वो ध्यान रखिए। नमक डाल के हम अच्छे से चला लेंगे। हल्दी हमने पीसने में ही डाल दिया था। अब हम इसमें मटर डाल देंगे, और मटर और ये मसाला साथ में 5 मिनट तक हम भून लेंगे। थोड़ा सा मसाला जब अच्छे से भून जाए, फिर उसके बाद इसमें हम आलू डाल देंगे। फ्राई किया हुआ आलू डाल के भी इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से आलू के साथ मसाले को हम मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे आलू के अंदर तक मसाला चला जाए, अच्छे से आलू पक जाए इस मसाले में। तो ये देखिए, हमने थोड़ा पानी डाल दिया है। अब इसको हम 5 मिनट तक चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई की हुई बड़ियाँ, ये भी डाल देंगे हम, और इसे भी हम 2 मिनट तक ऐसे ही हम चला लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमको इतना डालना है जो बड़ियाँ जो है अच्छे से पक जाए, और थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी डालिएगा। और ये देखिए, हम इसमें पानी डाल देंगे, और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे। तो अब पानी डाल दिए हैं, सबको मिला लेंगे अच्छे से। गैस का फ्लेम लो कर दिए हैं, और इसे ढक के हम 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। बीच में चेक करेंगे पानी कम तो नहीं है, क्योंकि बड़ी जो है पानी को एब्जॉर्ब करती है पकने में, तो हम ढक के इसको छोड़ देंगे। तो ये देखिए, हमने ढक दिया है, और फिर 10 मिनट के बाद इसको हम हटाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसमें बॉयल हो गया है ना ये। और फिर हम बड़ी को भी हम चेक कर लेंगे, बड़ी हुआ है कि नहीं। तो अब ये लगभग सब्जी हो चुकी है, थोड़ा हम इसमें झोलदार ही बनाएंगे सब्जी। तो इसको अब हम गैस के फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ, क्योंकि इसमें आलू एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को, और फिर हींग और जीरे का तेल तड़का लगाएंगे। इसमें हींग, जीरे और घी का तड़का बहुत ही टेस्टी लगता है, और सब्जी का जो स्वाद है ना वो डबल इसका बढ़ जाता है। बिना प्याज लहसुन की सब्जी, तो चावल के साथ सिर्फ सब्जी और चावल खाइए, इतना टेस्टी लगेगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल पे काफ़ी सुनी रसोई को हमने कुम्हरौड़ी बनाना भी बताया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक डाल देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा कैसे बनाया जाता है। साल भर स्टोर करिए, गर्मियों के महीनों में तो सब्ज़ी की थोड़ी दिक्कत हो जाती है,
और ऐसे भी कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आती तो ये सब चीज़ बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दें वीडियो को, और आप कॉमेंट करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए अब हम सर्विंग बॉल में से सर्व कर लेते हैं। तो फटाफट हम निकाल ले रहे हैं ये देखिए सब्ज़ी, और ये देखिए बढ़िया कितनी फूली फूली एकदम रसगुल्ला जैसे लग रहा है ना, तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।